देशवासी को। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यूपी के हाथरस और हरियाणा के फरीदाबाद में हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की घटनाओं को लेकर देश भर के लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज रेवाड़ी में भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शहर के ऐतिहासिक मोती चौक पर जोरदार नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। आज का ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, एक दिवसीय ये धरना प्रदर्शन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वाधान में। संगठन की हमारी मांग है कि हाथरस में हुई बेटी के साथ घनन्य अपराध फरीदाबाद में भी हुआ है, पलवल में भी हुआ है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जिलों में बहन बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या की बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। केंद्र सरकार से हमारी मांग है इस तरह के राक्षसों को जितनी जल्दी हो सके फांसी की सजा दी जाए, कानूनी प्रक्रिया को बहुत लंबा ना खींचा जाए। जब ये साबित हो गया, उनका जुर्म साबित हो जाता है, दोष साबित हो जाता है, उसको बहुत लंबा ना खींच के सजा जल्दी से जल्दी दी जाए। उस बेटी के साथ हुए अन्याय को न्याय में तब्दील किया जाए। लगातार इस तरह के मामले जो देश भर में होते आ रहे हैं, उसको लेकर क्या लगता है कि सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं? सरकारों से हमारी यही मांग है ना कि सरकार बहुत जगह फेल हो रही है। अब यूपी के अंदर हाथरस के अंदर पुलिस प्रशासन किस सरकार के नेतृत्व में काम कर रहा है सभी जानते हैं, किस तरह की वो डोल मोल अपनी नीति से कार्रवाई कर रहे हैं सभी के सामने है। मीडिया 3 दिन से लगातार दिखा रही है। पूरे गांव को प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, किसी मीडिया को नहीं जाने दे रहे, किसी परिवार के रिश्तेदारों को नहीं मिलने दे रहे। उस परिवार के साथ क्या हो रहा है समाज को, देश को, दुनिया को पता ही नहीं चल रहा। ऐसा कौन सा कानून आ गया देश के अंदर कि जिस परिवार के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है उस परिवार से कोई पुलिस के अलावा मिल ही नहीं सकता? ये नियम कौन सा है, ये कानून कौन सा है? इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारा आक्रोश हमारे दिल में है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की हर समाज की, हर वर्ग की, हर जिले की, हर क्षेत्र की बेटी अपने आप को सुरक्षित समझे। इस तरह का सख्त से सख्त कानून केंद्र सरकार लेके आए। अपराध की सजा देने में जरा भी कोताही ना बरती जाए और एक ऐसा उदाहरण समाज के सामने पेश हो, इस तरह के अपराधियों को चोर चौराहे के बीच में जिंदा जलाया जाए, जिंदा फांसी पे चढ़ाया जाए। इस तरह का आक्रोश इस समाज में, हिंदू समाज में भरा हुआ है। प्रबोध शर्मा, कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन जो आज आपने शुरू किया है? आज ये जो किया हमने, एक दिवसीय धरना है और प्रदर्शन है, और ये हाथरस की जो बेटी, जो वाल्मीकि की बेटी है, उसके साथ जो कांड हुआ है उसमें कुछ राजनीतिक तत्व जो है वो सारे केवल वाल्मीकि समाज की बेटी, दलित समाज की बेटी कहकर और एक प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। हमारा ये मानना है, हमारे संगठन का, कि ये दलित समाज की बेटी नहीं है, ये हमारे हिंदू समाज की बेटी है और पूरे समाज की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। तो इस प्रकार किसी भी बेटी के ऊपर अगर अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी कौन कौन संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं इस प्रदर्शन धरने में? हमारा ये केवल अपना संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल। कोई और संगठन भी इसके समर्थन में अभी तक आया है? नहीं, हमारा संगठन अपना अलग है। क्या आपका धरना प्रदर्शन आज पूरे देश में है? नहीं, पूरे देश में नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर और भी लगभग चल रहा है जहाँ जहाँ पे। शिव कुमार, जो घटना हुई है हाथरस के अंदर, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर जो घटना हुई है, ये इतना जघन्य अपराध हुआ है, जिस तरह से उन दरिंदों ने अपनी बेटी के साथ, हमारी बेटी के साथ इस प्रकार का जो कुकृत्य किया है, उनकी गर्दन तोड़ना, रीढ़ की हड्डी तोड़ना, उससे फांसी से कम सजा की हम उनके लिए मांग ही नहीं करते। उनको अगर फांसी से भी बढ़ के कोई सजा हो सकती है तो वो देनी चाहिए, और वो भी बीच चौराहे पर, ताकि और लोगों को भी पता चले किस प्रकार की हम जो घटना करते हैं, ये लोग राक्षस जो लोग हैं, उनको भी आगे डर उनके मन में पैदा हो
देखिए अगर हम इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे तो हमारे लिए भी यही सजा आगे के लिए होगी।